आपको ब्रेड रोल बनाना सिखाऊंगी। ये डिनर रोल भी आप बना सकते हैं, ब्रेड भी बना सकते हैं, बंद भी बना सकते हैं सेम रेसिपी से। ये मैंने मेयरमेंट वाला कप लिया है, 2 कप मैदा ले लिया है, ये हमने 5 टेबलस्पून मिल्क लिया है और टीस्पून जो है 1 टीस्पून यीस्ट ली है, ये इसमें डाल देंगे। 3 टीस्पून शुगर, 1 चुटकी सॉल्ट, ये मिल्क पाउडर है फुल क्रीम, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, इसको अच्छे से हिला लीजिए, मिक्स कर लें। 1 लार्ज एग डालेंगे, ये मटेरियल हम मैदे के अंदर डाल देंगे और इसको गूंद लेंगे अच्छे से। अगर आपको और मिल्क की ज़रूरत पड़ी इसको गूंदने के लिए तो आप ऊपर से थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। ये काफ़ी स्टिकी सी हो गई है, अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून बटर डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून डाला है, पहले हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे और उसके बाद 2 टेबलस्पून मज़ीद ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छे से आपने हाथ की हथेली से यूं करके गूंदना है इसको। इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर और डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लें, फिर से इसको इसके अंदर गूंद लें। इसको आपने 15 मिनट तक गूंदना है अच्छे से। इसको आपने ऐसे उठा उठा के मारना है ताकि इसके अंदर एयर आ जाए। ये 15 मिनट गूंदने के बाद ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्ट और थोड़ी सी ये स्ट्रेची सी हो जाएगी। ये देखिए ये ऐसी हो जानी चाहिए, स्ट्रेच आना चाहिए इसके अंदर। अभी देखेंगे थोड़ी सी ऐसे ये टूट रही है, इसको मज़ीद गूंद लें। ये देखिए ये बहुत स्ट्रेची सी हो गई, देखिए अब नहीं टूट रही। अब आप इसको एयर टाइट के अंदर रख लीजिए 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। ये देखिए इसको अब हम ढक के रख देंगे। ये देखिए हमने इसको 2 घंटे के लिए डार्क रूम में एयर टाइट में रख दिया था ढककर, और ये डबल साइज़ में हो गया है। ये 2 कप मैदा था और इस वक्त साइज़ में आपको डबल 4 कप्स लग रहा होगा। अब इसकी हम शेप्स बना लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी इसमें एयर आई हुई है, इसके आप इक्वली पॉट कर लें। ये हमने इक्वली 8 पेड़े बना लिए हैं, अब इसकी हम शेप्स ले देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जैसी भी इसकी शेप बनाना चाहें। अगर आप सिंपल बन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप पेड़ा करके ही इसको बेक कर सकते हैं। अगर आप ज़रा स्टाइलिश इसकी शक्ल बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी एक बार ब्रश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बटर ब्रश करने से ये जो रोटी है वो टूटने लगेगी,
इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल ब्रश नहीं कर रही। देखिए मैं अपने मुताबिक इसकी शेप बना रही हूँ, आप इसकी अपने मुताबिक बना सकते हैं। ये देखिए बाकी के भी हम इसी तरह बना के रख लेंगे। ये देखिए ये बाकी के भी सारे पेड़ों की शेप्स आप बना के इसको बेकिंग ट्रे में रख दें। ये हमने सारी शेप्स बना ली हैं, अब इसको मज़ीद 20 मिनट्स के लिए ढक के रख देते हैं। देखिए इसको हमने थोड़ी देर ढक के रखा था, ये दोबारा से फूल गए हैं। अब इसके अंदर हम एग ब्रश कर लेते हैं और तिल और कलौंजी लगा देते हैं। ये अब आप इसके ऊपर किसी पे जैसे भी आपका दिल चाहे तिल डाल लें या कलौंजी डाल लें। ये देखिए इसको अब आप प्री हीट ओवन के अंदर 175 टेम्परेचर के ऊपर 10 से 15 मिनट आपने रखना है बेक होने के लिए। 175 टेम्परेचर के ऊपर ओवन ऑलरेडी प्री हीट है। लीजिए हमारे बटर बन तैयार हैं।